मऊ जनपद के डीसीएसके पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव मतदान व मतगणना के दौरान काफी गहमी के बीच संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर राघवेंद्र प्रसाद सिंह 985 मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी दीपक कुमार यादव को 24 वोटों के अंतर से हराए। दीपक कुमार यादव को 961 मत मिले। महामंत्री पद पर फरहान हासिम ने 990 मत पाकर प्रतिद्वंदी प्रज्वल चौहान को 69 मतों से पराजित किया है। प्रज्वल चौहान को 921 मत मिला। उपाध्यक्ष पद पर रजत कुमार एकमात्र प्रत्याशी होने के नाते निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने विजयी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी विजयी प्रत्याशियों को अपने वाहन में बिठाकर उनके घर छोड़ने भी चले गए। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष पद के हारे हुए प्रत्याशी सपा के दीपक कुमार यादव बाहर आकर अपने समर्थकों को अपने हारने की बात बताई तो उसके समर्थक उग्र हो गए और कॉलेज प्रशासन के नारे लगाते हुए कॉलेज परिसर के अंदर आ गए और पुनः मतगणना कराने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। देर शाम तक छात्र जब नहीं माने तो कॉलेज के प्राचार्य ने मत पेटियों को अपर पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM और CO सिटी के देखरेख में ये कहकर सील बंद करवा दिया कि अब कोर्ट के आदेश के बाद ही पुनः मतगणना किया जाएगा। अब देखना यह है कि कोर्ट छात्र संघ चुनाव की गड़बड़ी को लेकर सपा कब तक कोर्ट के पास जाती है और कब तक इस मामले में कोर्ट पुनः मतगणना के आदेश देती है। रिकाउंटिंग को लेकर सर काफी गमागमी, इधर क्या है पुराना? हाँ, छात्र संघ निर्वाचन का परिणाम घोषित कर दिया गया और शपथ ग्रहण भी करा दिया गया, लेकिन जो दूसरे नंबर का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी दीपक यादव है, बाहर निकलने के बाद उसकी आपत्ति थी कि रिकाउंटिंग कराई जाए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि इसको सील करा देते हैं और फिर ये कोर्ट से आदेश प्राप्त करके प्रशासन के सामने, तो हमने सभी पदों के बक्से सील करा दिए और पूरा वो हाल भी सील हो गया है प्रशासन की और इन लोगों के जो आपत्ति दर्ज करा रहे थे इन लोगों की उपस्थिति में। अब वो प्रशासन के आदेश से उसकी रिकाउंटिंग होगी तो खुला जाएगा। सर, एक प्रत्याशी को जमकर मारा पीटा गया अंदर कैंपस में, अंदर मारा पीटा गया है। अब इसको मैंने नहीं देखा, अब आप पूछ रहे हैं तो आपसे जानकारी मिल रही है। ठीक, मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट।